वेलकम टू माई चैनल गाइज। आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक नई सीरीज जो रहेगी क्विक बाइट सीरीज। तो फ्रेंड्स ये क्विक सीरीज रहेगी जिसमें आपको मैं टेस्टी टेस्टी स्नैक्स के जल्दी जल्दी रिव्यू दूंगी। आज की सीरीज है सबवे सैंडविच के बारे में। तो ये रहा मेरा सबवे का सैंडविच गाइज। मैं आज ट्राई करने वाली हूँ सबवे का चिकन कोफ्ता सैंडविच जो मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने रेकमेंड किया है कि मैं यहाँ का चिकन कोफ्ता सैंडविच जरूर ट्राई करूँ। तो फ्रेंड्स चलिए जल्दी जल्दी से अभी ट्राई करते हैं। फ्रेंड्स ये देख सकते हो ये मैंने ओरिगानो ब्रेड लिया है। आप अपने हिसाब से ब्रेड चूज कर सकते हो, उसमें बहुत सारे रहते हैं मल्टीग्रेन और नॉर्मल वाला भी ब्रेड रहता है, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। उसके बाद बारी आती है सैलड की। सैलड में आपको बहुत सारे सैलड में भी ऑप्शन मिलेंगे, आप अपने हिसाब से वो भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको कोई सैलड नहीं पसंद है जैसे कैप्सिकम हो गया, अनियन नहीं पसंद है, तो आप अपने हिसाब से वो निकाल भी सकते हो और अपने हिसाब से अच्छी वाली ऐड भी कर सकते हो। तो ये है चिकन कोफ्ता, इसलिए इसमें है कोफ्ता के पीसेस। आप देख सकते हो मैं निकाल के दिखा रही हूँ, ये ऐसे कोफ्ता के पीसेस मिलेंगे, ठीक है। तो ये था चिकन कोफ्ता। उसके बाद बारी आती है सॉस। सॉस में भी गाइस बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं आपको चूज करना। आप ये मत सोचिए बहुत डिफिकल्ट होता है, आप उनको भी बोल सकते हो कि आप अपने हिसाब से स्पाइसी बना लो, तो वो लोग अपने हिसाब से बना भी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पर अगर आपको खुद के हिसाब से कस्टमाइज करना है आपके पसंद के हिसाब से, तो आप वो भी कर सकते हो। तो गाइस अभी बिना टाइम वेस्ट करें मैं शुरू करती हूँ हमारी क्विक सीरीज का पहला बाइट। गाइस बहुत ही ऑसम है, सैलड है इसलिए हेल्दी वाला फीलिंग भी आ रहा है, और सॉस है मैंने स्पाइसी बनवाया था तो बहुत ही अच्छा टैंगी फ्लेवर आ रहा है, क्योंकि बारबेक्यू सॉस डाला था मैंने, उनको बोला था मैंने ऐड करने के लिए, तो बहुत ही। और चिकन कोफ्ता के बहुत बड़े बड़े पीसेस हैं, मैं वापस एक बार ट्राई करूँ, बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सैलड में यहाँ पे मैंने क्या क्या ऐड करवाया। मैंने सैलड में ऐड करवाया क्यूकम्बर, टमेटो, अनियन, कैप्सिकम, ऑलिव, जालपिनो। तो गाइस इसकी वजह से है ना ये सैंडविच बहुत ही हेल्दी फील देता है, खाने में भी मज़ा आती है। सबसे में ऑफर चलता रहता है सब ऑफ द डे जो हर रोज़ रहता है। वैसे तो आप नॉर्मल कोई रेंज में जाते हो तो आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, अगर आप सब ऑफ द डे जाते हो तो आपको सिर्फ 140 रुपीज़ का मिलेगा ये पूरा भरा हुआ सैंडविच। गाइस देख सकते हो ये कितना, मतलब इसका स्टफिंग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही भरा हुआ है ये, आराम से एक जन का पेट तो आराम से भर सकता है। और इसमें ना आप है ना ये ब्रेड को ना टोस्ट भी कर सकते हो, अगर आपको ये नॉर्मल ऐसे ही खाना पसंद नहीं है जैसे रेगुलर रहता है, तो आप इसको टोस्ट भी करवा सकते हो अपने हिसाब से, तो ये भी ऑप्शन है। और आपको चीज़ डालना है कि नहीं वो भी आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको चीज़ पसंद नहीं है आप वो ओमिट कर सकते हो। तो गाइस मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी सबवे का सैंडविच ट्राई करने के लिए जो बहुत ही अमेजिंग है, वेज और नॉनवेज दोनों ऑप्शन हैं। मैंने नॉनवेज का ऑप्शन ट्राई किया जिसमें मैंने ये वाला ट्राई कर रही हूँ चिकन कोफ्ता सैंडविच, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है, मैं ज़रूर थम्स अप दूँगी, आपको भी रेकमेंड करूँगी सबवे का सैंडविच ट्राई करने के लिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये छोटा सा रिव्यू मेरा पसंद आया हो। अगर आप ऐसे ही छोटे छोटे रिव्यूज देखना पसंद करोगे तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट रिव्यू आप कौन से फूड का या तो क्विक बाइट का देखना पसंद करोगे, वो भी मैं आपके लिए लेके आते रहूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और थोड़ा भी इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। हमारे चैनल पर ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इन्हें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइए।